नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के असम सरकार पर सीधे वार की, ममता बनर्जी के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े दावे की, बात करेंगे ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के खुलासे की, उमर खालिद की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई की, जानेंगे ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश, मराठा आरक्षण पर कैसे फंसती नजर आ रही है शिंदे सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी तक मेयर का चुनाव करने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने घोषित किया उम्मीदवार, लखनऊ की सीट से रविदास मेहरोत्रा होंगे सपा के प्रत्याशी। सावरकर को भारत रत्न नहीं देने पर संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी का हर कदम राजनीतिक स्वार्थ। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 690 अंकों की तेजी के साथ 71,060 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 215 अंकों की तेजी के साथ 21,454 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से असम पहुंची है तभी से इस राज्य में हंगामा मचा हुआ है। राज्य की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार यात्रा के रास्ते में रुकावट डाल रही है और अब राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वो नहीं डरते और बीजेपी की सरकार से तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल असम के बारपेटा में पहुंचे तो आज की यात्रा में क्या हुआ खास और राहुल गांधी ने क्या दिया बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए जब से यात्रा असम पहुंची है और लोगों का भारी समर्थन राहुल गांधी की यात्रा को मिला है तभी से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। असम की बीजेपी सरकार यात्रा में लगातार रुकावट डाल रही है। सीएम हिमंता के निर्देश पर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस तरह की FIR से डरने वाले नहीं हैं। सरकार एक ही जगह 25 FIR दर्ज करवा सकती है। उन्होंने एक बार फिर से असम के सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया है। राहुल गांधी ने असम के बारपेटा में कहा कि सीएम हिमंता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। शाह के हाथ में असम के सीएम का नियंत्रण है। अगर शर्मा अमित शाह के खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे तो उन्हें बीजेपी से बाहर कर दिया जाएगा। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसा निर्देश दिया है मीडिया वैसा ही समाचार में भी दिखा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह और असम के सीएम शर्मा के दिल नफरत से भरे हुए हैं। बीजेपी RSS असम की भाषा संस्कृति और इतिहास को मिटाना चाहती है। बीजेपी और संघ असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और असम की जनता उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। असम में यहीं के लोगों का शासन होगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध करते हुए राहुल गांधी के करीब आ रहे हैं उससे हमें चिंता हो रही है। राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। असम के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। यात्रा को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ ही ममता ने जो कहा उससे बीजेपी के मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है? क्या चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? कम से कम बीजेपी के लोग तो इसी तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दावे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम और TMC चीफ ममता बनर्जी ने जब कहा कि वो सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी, जिसे लेकर बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन ममता ने साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेगी, वो इंडिया में ही रहेंगी और अकेले बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हराएंगी। ममता ने हावड़ा में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले बीजेपी को हराएंगे, मैं अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ। ममता ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि बिना ममता के इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कभी कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आती है, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि हम सफर से पीछे हट जाएं, स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम ममता बनर्जी और TMC के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। साफ है ममता ना तो इंडिया छोड़ रही है और ना ही बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति बदल रही है।
ममता ने तो साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगी। इंडिया गठबंधन पहले ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी विपक्ष मोर्चा खोले हुए है। आज कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है खुलासा? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम हैक होती है और इस बार पूर्व सीएम ने भोपाल में अपने आवास पर ईवीएम हैक करके भी दिखाया। दिग्विजय ने ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिखाया और बताया कि कैसे चुनाव में हेराफेरी हो रही है। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है और न ही अधिकारी कर्मचारी, इसका मालिक सॉफ्टवेयर डालने वाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमने ये सवाल चुनाव आयोग से किए लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। दिग्विजय ने कहा कि अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर वीवीपैट पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम से वोट डाले जाते हैं वहां पर इसका सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में होता है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था 2003 से ही नहीं है। क्या 140 करोड़ वाले देश में हम ये स्वीकार करेंगे कि चंद लोग तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर मोदी के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, आप जो चाहें मुझे सजा दें, मुझ पे जो कार्यवाही करना चाहें करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिसे वोट डालूं वो उसी को जाए। दिग्विजय सिंह ने मीडिया कर्मियों से खुद डमी ईवीएम का बटन दबाने को कहा और इसके बाद बताया कि कैसे वोटों की संख्या और वीवीपैट से प्राप्त होने वाली पर्ची में बदलाव किया जा सकता है। दिग्विजय ने दिखाया कि कैसे ईवीएम से जैसा चाहें वैसा परिणाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाया जाए या फिर वीवीपैट की पर्ची मतदाता को हाथ में दी जाए जिसे वो मत पेटी में डाले और इसी पर्ची को गिना जाए। ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, चुनाव आयोग मुश्किल में नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुश्किल में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तारीख मिलती है पर सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी सुनवाई नहीं हुई थी, नई तारीख मिल गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जज उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई का आदेश पारित किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार ने पिछले साल 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दिल्ली मामले में 3 साल पहले दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो जमानत की फरियाद लगा चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब 31 जनवरी को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अदालत से कहा कि वो सुनवाई के लिए तैयार थे लेकिन कोर्ट की बेंच सिर्फ 1 बजे तक बैठेगी, ऐसे में केस की सुनवाई के लिए समय नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले पर 31 जनवरी को सुनवाई करने के लिए कहा है ताकि केस की सुनवाई के लिए समय रहे। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी, फिर ये सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी गई थी। 2023 में उमर खालिद की जमानत पर एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी। उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव में उनका हाथ था। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज है, यानी उमर खालिद को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ किया था कि अब इस मामले को और नहीं टाला जाएगा, लेकिन एक बार फिर सुनवाई को टाल दिया गया है। तो उमर खालिद की जमानत का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट का इंतजार अब समाप्त हुआ है। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है, जिस पर आज कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 32 साल से चले आ रहे ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके साथ ही रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग भी की थी। रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्षकारों की मांग थी कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। दोनों पक्षों ने कोर्ट के इस फैसले पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने लंबे समय से बंद पड़े वजूखाने की सफाई के लिए भी कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनीष कुमार निगम ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र के सर्वे को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
मामले में अब आगे की सुनवाई 31 जनवरी को होगी। आपको बता दें 21 अक्टूबर को वाराणसी की अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग के क्षेत्र के अलावा वजू खाने के क्षेत्र के सर्वेक्षण की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अब सार्वजनिक होगी, जिससे बहुत कुछ साफ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी तक मराठा आरक्षण की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मराठों का मार्च तेजी से मुंबई के करीब पहुंच रहा है, जिससे शिंदे की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल मराठाओं के आरक्षण के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। 20 जनवरी से शुरू हुआ ये मार्च 24 जनवरी को पुणे पहुंच गया है। इसके बाद मार्च ने लोनावला की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये मार्च 26 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा। पुणे में आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए मनोज जारंगे ने कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र का एक भी रोड खाली नहीं रहेगा। मैं बिना आरक्षण के वापस नहीं जाऊंगा। हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे। यहां 2 से 2.5 करोड़ लोग जुटेंगे। जारंगे के मुताबिक अगर शिंदे सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो मुंबई में वे आजाद पार्क में भूख हड़ताल करेंगे। जारंगे की मांग राज्य के मराठाओं को कुनबी समाज में शामिल करने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30 से 33% है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 में से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2024 तक 20 से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय के ही हैं और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे भी मराठा समुदाय से हैं। दूसरी तरफ राज्य में ओबीसी समुदाय भी 40% है। अब देखना होगा कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लेती है। मराठों ने महाराष्ट्र की एनडीए सरकार की नींद उड़ा दी है, तो अब सरकारी कर्मचारी भी बीजेपी की नींद उड़ाने की तैयारी में है। पुरानी पेंशन को लेकर पहले से ही वो आंदोलन कर रहे थे और अब बीजेपी की राजस्थान सरकार ने उन्हें और भड़का दिया है। तो क्या फैसला लिया है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने, जिससे गुस्से में है सरकारी कर्मचारी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने के बाद सत्ता पर काबिज नई बीजेपी सरकार लगातार पिछली सरकार की योजनाओं पर कैची चला रही है। बीजेपी सरकार पुरानी योजनाएं बंद कर जनता को एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। नए आदेश में कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही ओपीएस को बंद करके एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी बंद हो चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है, मगर बीजेपी हमेशा एनपीएस के पक्ष में रही है। हाल में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखने का मुद्दा खूब गरमाया था। तत्कालीन गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने नवनियुक्त कर्मियों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल राजस्थान लोकसभा आयोग के तरफ से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, जिसमें एनपीएस का जिक्र किया गया है, ओपीएस का नहीं। जिस पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने ये कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत पर माना नहीं जाएगा और इसका हम विरोध करेंगे। और बोले this event, as we know, you have mentioned a sustainability. I am very happy that the Mumbai festival is focusing on sustainability, and we were given an opportunity to highlight why sustainable development goals are so important, how sustainable tourism will impact
the health, the peace, the progress of not only our city, not only our state, but our country. And I'm really, really encouraged by the participation of the government and, of course, stakeholders in understanding and implementing SDGs. Ma'am, jaise hum jante hain bahar ki infrastructure ki baat ki jaye agar to matlab Mumbai mein hum keh rahe hain ki matlab ki infrastructure bahut bad rahe hain, jaise bridges ban rahe hain, flyovers ban rahe hain aur sari cheeze ban rahi hain, but uski wajah se jo traffic hota hai aur jo pollution ho rahe hain, to uske liye government kya kar rahi hai ya aapke hisab se government ko kya karna chahiye? आई थिंक मैं हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर ही आती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे जो बिल्डर्स हैं वो जितने भी यू नो क्लाइमेट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स हैं, जो बेसिकली बहुत सारे गाइडलाइंस बने हुए हैं, लेकिन लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको प्रैक्टिस नहीं करते. आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि काफ़ी नए कंस्ट्रक्शंस पे अभी वो हरे पर्दे लगे हैं जो पिछले 6-8 महीने से नहीं थे. कुछ चुनिंदा बिल्डर्स होते हैं जो हरे पर्दे लगाते हैं ताकि डस्ट ट्रैवल ना करे, एस्केप ना करे. तो उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे सहसाथी मुंबई के नागरिक हैं, चाहे वो बिल्डर है या हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है या ऑफिस है, सब अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी समझे. और जो पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जिससे चाहे वो वेस्ट बर्निंग से हो या कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, वो जिम्मेदारी ले और उसे कम करें. मैम, हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बाहर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और इंडिया में अभी रिसेंटली एक नया हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ है अयोध्या पे, तो क्या कहना चाहेंगे सच अ लॉकी मूवमेंट फॉर एज इंडियंस कि हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं ये एरा में? You know, there is a very powerful campaign that the government of India launched called Mission Life, which is lifestyle for the environment. Hum as Indians duniya ka ki har jagah dekhne jate hain, but sari duniya hamare desh aati hai hamare historical sites dekhne ke liye, hamari beauty, hamara architecture, hamara culture samajhne ke liye, janne ke liye, celebrate karne ke liye. तो ये जो मिशन लाइफ का एक ब्रांच है कॉल्ड टूरिज्म, विच इज़ कनेक्टेड टू टूरिज्म, एंड मेरी उम्मीद यही है कि हम जो भी बनाएं, जो भी सेलिब्रेट करें, चाहे वो त्यौहार हो या हमारे मॉन्यूमेंट्स हो या हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, हर जगह में मिशन लाइफ दिखाएं. थैंक यू सो मच. सेंटर में देखना मैडम, नीचे मैडम, नीचे अदिति, नीचे अदिति, थोड़ा इधर आइए, वेट वेट, दत्ता बाबू, साथ में साथ में सेंटर, दिया जी सामने, दिया जी सेंटर, आपकी लाइट भी है,
Both of you center, both of you center. Center, yeah, center look please. Now Diya ji ka solo. Diya ji, solo. Diya ji, solo. Diya center look here. Yeah, yeah, Diya ji, yeah. Diya ji upar upar yahan pe. Diya ji, Diya ji yahan pe. Diya ji idhar dekho na. Yeah ma'am, yahan pe. Ha, center. Yeah ma'am, Diya ji samne. दिया यहाँ पे आपका कैमरा यहाँ है। दिया जी मेरे तरफ। दिया जी रुक गया। दिया मैम यहाँ। दिया जी आपके राइट में देखिए। दिया जी आपको। दिया जी होल्ड होल्ड। होल्ड होल्ड। दिया जी प्लीज। दिया जी आइए। थैंक यू। रोल है। धन्यवाद। ये आ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब